हेलो आस्पीडेंट्स वेलकम टू जिज्ञासा आई एस उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे सेफ होंगे शुरू करते हैं आज की हमारी लैम्प सीरीज लर्निंग द आर्ट ऑफ एम सी क्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे पहले देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं द फर्स्ट वन इज एम एस एम ई सेकेंड यश प्रोग्राम सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी एक्साइज ड्यूटी ऑब्वियसली ऑन एल्कोहल जो भी इंक्रीज कर दी गई है पल्स ऑक्सीमीटर इन सब न्यूज़ के बारे में अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं वहां पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको हर एक टॉपिक का मिल जाएगा इनसे रिलेटेड एमसीक्यू यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएसएमईन इंडिया एमएसएमई इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट यूनियन कैबिनियरिया ऑफ एन एनुअल टर्न ओवर फॉर डिफाइनिंग एमएसएमई मीडियम एंटरप्राइजेज आरोज विद्युअल टर्न ओवर लेस देन रुपीज टू फिफ्टी करोड़ ऑप्शन ए वन एंड थ्री बी वन एंड टू सी टू एंड थ्री लास्ट वन टू थ्री आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में हम आंसर लिख सकते हैं हमार यहाँ पर हम इसका सीधा एक्सप्रेशन देखते हैं अब देखिए पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे एम एस एम ई वट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप करंट अफेयर्स से अपडेट होंगे तो यह पहले का क्राइटेरिया था पहले एम एस एम ई डिफाइन की जाती थी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेकिन अभी टू थाउजेंड एटीन में यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया कि ये क्राइटेरिया को चेंज करेंगे नाउ एम एस एम ईस व डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टर्न ओवर एनुअल टर्न ओवर उनका कितना होता है उसके बेसिस पर डिफाइन किया जाएगा तो अगर आप देख पाए वन एंड थ्री फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है आर दो विद एनुअल टर्न ओवर तो ये अपने आप में एक काउंटर लिख रही है पहला सही होगा या थर्ड सही होगा ठीक है अगर आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इसका बैकग्राउंड पता है तो आप क्विकली

कोविड नाइन्टीन का इम्पैक्ट एमएसएमई पर ही पड़ा हुआ है तो इस वजह से ये न्यूज में है ओके अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं हमारा यश प्रोग्राम रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू यश प्रोग्राम किससे रिलेटेड है देखिए अगर आप करंट अभी पढ़ रहे हैं अभी जितना भी करंट है वो कोविड नाइन्टीन से ही निकल के आ रहा है क्योंकि कोविड नाइन्टीन ने सब कुछ चेंज कर दिया है इकोनॉमी चेंज कर दी है और जितने भी जो प्रोग्राम है साइंस एंड टेक में काफी न्यूज आ रही है वो सब कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड ही आ रही है तो यूपीएससी में हाईली चांसेस है कि इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए तो हमें सब कुछ कवर करना पड़ेगा तो सेकंड स्टेटमेंट भी यश प्रोग्राम रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू गोल्ड मॉनिटाइजेशन हेल्थ एंड डिसकम्युनिकेशन एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल वर्कर्स वेलफेयर मेजर्स फॉर डिफेंस पर्सनल तो अगर आप करंट भी अपडेट कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि करंट में भी हेल्थ को लेकर ही ले बात चल रही है और कोविड नाइन्टीन के आउटब्रेक को लेकर बात चल रही है ठीक है तो बी या सी वैसे ही कोई ऑप्शन होगा गोल्ड मॉनिटाइजेशन जैसा कुछ अभी प्रोग्राम आया नहीं है गोल्ड के लिए वेलफेयर मिजर्स पर्सनल भी यश प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है तो बी और सी में बी इज द राइट आंसर हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन से रिलेटेड है यश प्रोग्राम ओके ये किसका प्रोग्राम है किसने लॉन्च किया है? इसको एनसीएसटीसी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आता है उसने यश प्रोग्राम को लॉन्च किया है ठीक है अब ये प्रोग्राम काम क्या करेगा ये प्रोग्राम क्या काम करेगा ये जो कोविड की जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा कैसे लोगों से बात करके विद द हेल्प ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन ठीक है अपनी एक्टिविटीज़ को और बढ़ाएगा लोगों को समझाएगा इससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं ठीक है लोगों को बोलेगा कि पर्सनल सैनिटाइजेशन और हाइजीन को अडेप्ट करें फिजिकल टेस्टेंस मिजा करने के लिए लोगों को और मोटिवेट करेगा तो इन सब तरीके के काम यश प्रोग्राम करेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा विथ रेफरेंस टू सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी सी सी एम बी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये इसरो के अंडर आता है ओके इसको सेंटर फॉर एक्सीलेंस कर दिया गया था डेजिग्नेशन बाय यूनेस्को इट इज एन इंडियन बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड इन हैदराबाद ओके अब इसमें आपको देखना है कि जो सीसीएमबी है सीसीएमबी सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो जनरली सी के अंडर आते हैं इसरो के अंडर नहीं आते हैं तो अंडर द एगीज यूपीएससी काफी कंफ्यूज करता है अंडर द एगीज वाले स्टेटमेंट में तो आपको उस पर ध्यान से देखना है कि अंडर द एगीज ऑफ विच ठीक है किसके अंडर वो आता है तो पहला ऑप्शन एलिमेंट हो जाएगा आंसर इसका निकल जा, के निकल आ जाएगा टू एंड थ्री ओके इट ऑपरेट्स अंडर द ऑफ एगीर हेडक्वार्टर एट हैदराबाद सीसीएम बी इज डेजनेटेड एड सेंटर फॉर एक्सीलेंस बाय द ग्लोबल मॉलिकुलर एंड सेल बायोलॉजिकल नेटवर्क यूनेस्को हैदराबाद में इसका एस्टेब्लिशमेंट uh, हैदराबाद में ये सिचुएटेड है ओके okay. इसमें आप देखिएगा इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक uh, हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन गिवन इज नॉट करेक्ट है ठीक तो है थीके? तो इसमें नॉट करेक्ट अगर पूछा जाएगा तो वन ओनली होगा ठीक है ये जो करेक्ट है इसको आप नॉट हटा देंगे यहां से तो ये अभी करेक्ट है करेक्ट अगर पूछा जाएगा तो टू एंड थ्री करेक्ट आएगा इसमें वन इज इनकरेट ओके फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल एक्साइज ड्यूटी जो कि अब इंक्रीज कर दी है एलकोहल पर उसको लेकर स्टेटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ सोल ऑथोरिटी टू लिवाई एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर एंड सोल ऑफ लिक्वेड नो स्टेट कैन इम्पोज वेट ऑन एल्कोहल तो अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा सोल ऑथोरिटी तो ऐसा तो नहीं है काफी स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है अपने अपनी इच्छा अनुसार ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके ठीक है तो पहले स्टेटमेंट गलत हो जाएगा नो स्टेट कैन नो स्टेट कैन इम्पोज वेट वैल्यू एडेड टैक्स कोई भी स्टेट नहीं लगा सकती तो ये भी स्टेटमेंट गलत है आपने देखा होगा एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश तमिलनाडु काफ़ी गवर्नमेंट है इम्पोज किया है वेट को तो इसमें डी आंसर्स को हो जाएगा नन ऑफ द अब आर करेक्ट दोनों ही जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ओके दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी सेवेंटी परसेंट हाइक किया है बोला है कि स्पेशल कोरोना फी है ठीक है इसी तरह से स्टेट कैन ऑलसो लेक्स एडूटी ऑन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इक्व लिक्वर और उत्तर प्रदेश तमिलनाडु और दिल्ली काफी गवर्नमेंट ने इस तरह का स्टेट टैक्स हमेशा लगाते गए ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके ओके लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा कंसिडर द तो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पल्स ऑक्सीमीटर पल्स ऑक्सीमीटर को लेकर क्वेश्चन है इट इज अ टेस्ट यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ठीक है The device measures the saturation of oxygen in red, red blood cell and can be attached to a person's finger, toes, nose, feet, ears and forehead. Okay, pulse पल्स ऑक्सीमीटर डेफिनेटली पल्स ऑक्सीमीटर है तो कुछ मेजर करना होगा ये तो ऑक्सीजन लेवल कितना है उसको मेजर करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का यूज किया जाता है आप ये फिगर में भी देख सकते हैं इस तरह का पल्स ऑक्सीमीटर होता है इसको पर्सन की फिंगर टो पर लगा दिया जाता है और वहां पर उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है वो मेजर कर लिया जाता है ठीक है तो दोनों ही स्टेटमेंट है इसको लेकर बोथ वन एंड टू आर करेक्ट इट इज अ टेस्ट यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ओके द द डिवाइस मेजर ओकेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन आरबीसी और अटैच किया जाता है पर्सन की फिंगर और टो से ठीक है अभी ये न्यूज में क्यों है वाई इट इज द न्यूज क्योंकि एक जो कोविड नाइन्टीन हुआ है उसके पेंडेमिक से एक हाइपोक्सिया करके डिसीज सामने आ रही है हाइपोक्सिया क्या होता है लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो उसको मेजर करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ किया जाता है इस वजह से यू न्यूज़ पर है ठीक है ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था अगर आप इसके अलावा और भी स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड और सी सेट से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर डेली फाइव क्वेश्चन फ्रॉम एम सी क्यू फाइव क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन एंड फाइव क्वेश्चन फ्रॉम सी सेट डेली बेसिस पर अपलोड होते हैं आप वहाँ पर जाकर उनको अटेंड कर सकते हैं वो फ्री है बिल्कुल इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लेकर हमें बता सकते हैं ओके कल हम फिर मिलते हैं नए पाँच एम सी क्यू के साथ में ओके थैंक यू